हेलो फ्रेंड, मैं इंद्रजीत कुमार एक बार दोबारा से आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि HDB से कैसे आप ऑनलाइन लोन ले सकते हो अपने घर बैठे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ कि HDB से आप कैसे ऑनलाइन लोन ले सकते हो। तो दोस्तों, HDB से सबसे पहले ऑनलाइन लोन लेने के लिए तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों को ऑनलाइन लोन लेने के लिए गूगल को ओपन करना होगा। तो देख सकते हो दोस्तों कि मैं गूगल को ओपन किया हूँ और यहाँ पर HDB पर्सनल लोन लिख के टाइप किया हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला जो लिंक आ रहा है उस पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे आप दोस्तों क्लिक करोगे, यहाँ देख सकते हो पर्सनल लोन करके ये जो मतलब आया है, ये साइट खुल चुका है। तो दोस्तों, ये साइट में देख सकते हो जैसे लिखा गया है, कैलकुलेट योर लोन EMI इंस्टेंटली। उसके अलावा दोस्तों देख सकते हो सारा चीज, ये जैसे लोन लेते हो तो कितना आप लोगों का इंटरेस्ट वगैरह आने वाला है, ये सारा चीज बताया गया है। उसके अलावा दोस्तों देख सकते हो लिखा गया पर्सनल लोन, मतलब पर्सनल लोन आप यहाँ से 20 लाख रुपया तक का घर बैठे ले सकते हो, लेकिन दोस्तों आप लोगों का सिविल स्कोर बढ़िया होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों देख सकते हो पर्सनल लोन के बारे में कुछ डिस्कस किया गया है, जैसे कि क्या टर्म एंड कंडीशन है ये पर्सनल लोन का। उसके अलावा दोस्तों बहुत चीज ये एप्लीकेशन में बताया, मतलब ये साइट पे पर्सनल लोन के बारे में बताया गया है। तो आप लोगों को सिंपली दोस्तों मैं अब ये लोन को लेकर दिखाऊंगा कि कैसे आप भी लोन ले सकते हो ये। तो दोस्तों ऊपर में आप देख सकते हो कि अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन है, उसके नीचे दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ दिखा देता हूँ। देखिये दोस्तों, पहले ऊपर में अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, उसके बाद अप्लाई ऑन व्हाट्सएप है। तो मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे आया हूँ। तो दोस्तों जैसे मैं नीचे आया हूँ, यहाँ पर देख सकते हो कि लोन अमाउंट है। तो लोन अमाउंट में मैं यहाँ पर कुछ भी अमाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। सपोज दैट दोस्तों मान लो 1 लाख रुपया मैं अमाउंट सेलेक्ट करता हूँ, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो दोस्तों 13% है। तो आप लोग देख सकते हो मैं 25 महीना के लिए ले रहा हूँ। तो यहाँ पर सारा चीज दोस्तों बता रहा है, जैसे कि यहाँ से आप देख सकते हो दोस्तों, अगर मान लो 24 महीना के लिए मैं 1 लाख रुपया को ले रहा हूँ लोन, तो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट होने वाला है, जिसका टोटल मेरे को 1 लाख रुपया का 14,100 रुपया एक्स्ट्रा पे करना है। तो दोस्तों 1,14,100 रुपया पे करना है। मान लो अगर आप 1 लाख का लोन लेते हो तो 1,14,100 रुपया ही आपको पे करना होगा, और वो भी दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये अमाउंट जो है ज्यादा नहीं है। जैसे कि आप 3 साल के लिए लोन को लेते हो तो आप लोगों को सिर्फ 14,100 रुपया एक्स्ट्रा पे करना है। तो मैं दोस्तों अब अप्लाई नाउ वाले सेक्शन में आ चुका हूं, और यहां पर थोड़ा देख सकते हो डीपली समझाया गया आपको कि कैसे कैसे अप्लाई करना है। इसको देख के भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आप लोगों को अप्लाई करने का प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप ये लोन को अपने घर बैठे ले सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हो जैसे कि अप्लाई नाउ का ऊपर में एक ऑप्शन आया है, तो अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे मैं क्लिक किया हूँ। तो जैसे दोस्तों मैं अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक किया हूँ, यहाँ पर देख सकते हो मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है, जैसे कि नेम हो गया, आप लोगों का जेंडर, फिर फोन नंबर, ईमेल आईडी, पिन कोड, पैन कार्ड नंबर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद सारा डिटेल्स आप लोगों से मतलब ये एप्लीकेशन में मांग रहा है। तो आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना दोस्तों, अपना जो भी इन्फॉर्मेशन है ये एप्लीकेशन में भर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप लोगों को सारा चीज भरने के बाद ये देख सकते हो दोस्तों, आई हैव रीड ऑल द टर्म एंड कंडीशन, इसे सिलेक्ट करने के बाद क्विक अप्लाई पे क्लिक करना है। तो जैसे दोस्तों क्विक अप्लाई पे आप क्लिक करोगे, एक OTP आपके फोन नंबर पे भेजा जाएगा। जो भी रजिस्टर्ड फोन नंबर आप ये एप्लीकेशन में डाले मतलब डालोगे, वो रजिस्टर्ड फोन नंबर पे एक OTP आएगा। तो दोस्तों OTP आप लोगों को भर देना है। भरने के बाद आप देख सकते हो एक सबमिट का ऑप्शन है बगल में, तो ये सबमिट वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करना है। और मैं दोस्तों आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ कि कैसे कैसे क्या करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, जैसे मैं सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक किया हूँ, तो यहाँ देख सकते हो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर ओनली 1 स्टेप वे फॉर योर प्री अप्रूवल ऑफर। तो यहाँ से दोस्तों आप अपना वर्क डिटेल्स भर लीजिएगा, जैसे कि एम्प्लॉयर का नेम हो गया, कितना महीना आप कमाते हो वो भर दीजिएगा, उसके बाद आप लोगों का कितना साल से ये काम कर रहे हो, काम करने के बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या, वो सब भर लीजिएगा। तो देख सकते हो दोस्तों मैं यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई किया था, तो लिख दिया कॉन्ग्रेचुलेशन योर लोन ऑफर इज रुपीज इतना। तो आप लोगों को कितना रुपया के लिए अप्लाई करना है ये लोन के लिए, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों जितना रुपया के लिए आप लोगों को अप्लाई करना है ये लोन का। तो मैं मान लो दोस्तों सपोज दैट 1 लाख रुपया के लिए ये लोन का अप्लाई करता हूँ।
तो 1 लाख रुपए के लिए जैसे मैं अप्लाई किया हूँ, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे मैं जैसे क्लिक किया हूँ, आप देख सकते हो अपलोड डॉक्यूमेंट करने के लिए ये एप्लीकेशन में बोल रहा है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों को अपना बैंक का डिटेल्स भरना है, उसके बाद सैलरी कितना आता है उसका प्रूफ यहाँ पर दे देना है, उसके बाद एक केवाईसी करना है। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सारा चीज आप अपने से भर लोगे, जैसे कि बैंक का स्टेटमेंट हो गया, सैलरी स्लिप हो गया और केवाईसी। केवाईसी का मतलब दोस्तों जैसे कि आप आधार कार्ड से ई केवाईसी करते हो वही करना है। तो ये सिंपल तरीका दोस्तों आप अपने से कर सकते हो। ये सारा इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आप लोगों को सिंपली देख सकते हो दोस्तों, मैं भर रहा हूँ इसलिए थोड़ा लेट लग रहा है, तो ये सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये सारा चीज भरने के बाद तो देख सकते हो दोस्तों कि अपलोड हो रहा है, अपलोड होने दीजिए। अपलोड जैसे हो जाता है सारा चीज मैं सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और उसके बाद आगे का प्रोसेस आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे करना है क्या। तो देख सकते हो दोस्तों सारा चीज मेरा यहाँ अपलोड हो चुका है। अपलोड हो जाने के बाद तो देख सकते हो दोस्तों सारा चीज मेरा ये जो था वो सबमिट हो चुका है। उसके बाद अप्लाई ऑन व्हाट्सएप पे आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट कर लोगे, एक बार रिडायरेक्ट कर दिए जाओगे पेज पे, तो व्हाट्सएप व्हाट्सएप वाले सेक्शन पे आना है और यहाँ पर आप लोगों को अप्लाई लिखना है और मैसेज करना है। तो जैसे दोस्तों अप्लाई लिख के आप मैसेज करोगे तो ये एप्लीकेशन की तरफ से, मतलब ये HDB बैंक की तरफ से एक मैसेज आएगा जिनमें आपका फोन नंबर वगैरह, पैन कार्ड, आपका नाम पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप टाइप कर दीजिएगा। तो दोस्तों यहां से टाइप कर देना है आप लोगों को। तो मैं आप लोगों को जितना सारा प्रोसेस बताया हूं ये वीडियो में, ये 100% सही है दोस्तों। इसे आप अपने घर बैठे अप्लाई करके लोन ले सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप एक लाइक करेंगे। तो दोस्तों ये जो व्हाट्सएप वाला था मैं सारा आप लोगों को नहीं दिखाया हूँ, ये जो व्हाट्सएप था उसमें अप्लाई जैसे आप करके लिखते हो उसके बाद बैंक के तरफ से आप लोगों को व्हाट्सएप ही पे मैसेज आएगा। तो उसमें मांगा जाएगा दोस्तों आप लोगों से आपका नाम, फोन नंबर और उसके बाद आपका पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ये सारा डिटेल्स आप लोगों से मांगा जाएगा। आप उन्हें प्रोवाइड करवाएंगे तो आप लोगों का लोन, अगर सिविल स्कोर बढ़िया रहेगा तो हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।